26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अब छोड़ दीजिए भैया। हाँ जाना जी जाइए। हमारी कार्यों में बचपन से लीन रही है, वो कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुजोग महिला है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन उस चुनाव से पहले बिहार के चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है, जिसके नामांकन की प्रक्रिया अब लगभग समाप्त होने को है। 13 नवंबर को बिहार के चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, ये चार विधानसभा सीटें हैं। अब ऐसे में आपको खबर हम गया से दिखाते हैं, जहां देखिए किस तरीके से गया में जीतन राम मांझी की बहू यानी दीपा मांझी इमामगंज से, जो कि कैंडिडेट के रूप में उतरी हुई हैं, वो आज नामांकन के लिए पहुँची हुई हैं। जिला समाहरणालय पहुँची हैं और वहाँ अपने ससुर यानी बिहार सरकार में गया से जो है सांसद और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो उनके साथ पहुंचे हुए हैं और दीपा मांझी भी साथ में हैं। दोनों जाते हैं और वहां पर नामांकन करते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में NDA की जीत हुई है, उसी तरीके से इस बार फिर से यानी बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी NDA की जीत होगी, यानी दीपा मांझी की ही जीत होगी। तो देखिए, आपको हम तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं इमामगंज से, जहां पर दीपा मांझी नामांकन के लिए पहुंची हुई है, साथ ही साथ उनके ससुर यानी जीतन राम मांझी भी पहुंचे हुए। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनवा लें। ये कर्मठ कार्यकर्ता जो जिला परिषद की सदस्य रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में 2 वोट से हारने वाली है और उसके अलावे सामाजिक कार्यों में बचपन से लीन रही है, वो कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुजोग महिला है, उसी का नॉमिनेशन आज होना है, उसी को उपलब्ध होना है। RVD भी वहाँ खड़ी हुई है, रोशन मान किस टक्कर है कि नहीं? हम नहीं समझते हैं कि कोई टक्कर वहाँ है, इसलिए कि इमामगंज में 2015 के पहले रोज केसेज, मुकदमा, बम, बारूद, गोलियाँ चलती थी, लोग रात में सोते नहीं थे। जब से हम वहाँ का विधायक हुए हैं वहाँ आज शांति है। बूढ़े लोग कहते हैं कि हम भाई अब चैन की नींद सोते हैं, तो शांति व्यवस्था जो सबसे पहला काम था वो कायम कर दिया गया है। उसके अलावा विकास के अनेकों कार्य है, एक दो कार्य कोई करता है तो गिनाता है, वहाँ तो हजारों कार्य हुआ है जिसका वहाँ स्थल पर देखा जा सकता है।